नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पलामू प्रमंडल में रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। विभिन्न अखाड़ों के संयोजक सदस्य, शांति समिति से जुड़े सदस्य, बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ अन्य व्यक्ति धैर्य के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। स्थानीय प्रशासन भी आमजनों में सौहार्द बनाए रखने का कार्य करें। प्रशासन द्वारा रामनवमी जुलूस के दौरान ड्रोन, सीसीटीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग से निगरानी रखी जा रही है। मामूली रूप से भी शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। जुलूस के मार्ग में जहां गड़बड़ी की संभावना हो, वहां समुचित बैरिकेडिंग करते हुए पुलिस बलों की तैनाती और आपदा प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। यह बातें आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कही। रामनवमी पर्व को लेकर गढ़वा जिला भ्रमण के दौरान पहुंचे आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा, गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप, पुलिस अधीक्षक अंजनी झा और अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रामनवमी पर्व की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। विधि व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। तमाम जो प्रशासनिक कार्रवाई है उनके द्वारा की गई है और जगह जगह पे दंडाधिकारी, पुलिस बल पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी वगैरह भी लगाए जाएंगे और जो भी एहतियात बरतना है वो बरता जाएगा। कोई भी असामाजिक तत्व यदि किसी तरह का उसमें गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उससे सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है और उम्मीद है कि यहाँ के लोग काफ़ी शांति प्रिय हैं और पूर्व जो इतिहास है उसमें सभी लोगों के सहयोग से यह पर्व अच्छी तरह से हुआ है। रमजान का भी महीना चल रहा है, इसलिए दोनों समुदाय को एक दूसरे को मदद करके इस पर्व को अच्छे से संपन्न कराना है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।